हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या कैरी करना चाहिए व्हेन वी आर हेडिंग फॉर डिलीवरी। आप कभी भी डिलीवरी के लिए ड्यू हो, आपका लास्ट मंथ चल रहा हो, तो आप वेल इन एडवांस अपनी चीज़ों की पैकिंग कर लीजिए, क्योंकि आप अगर एंड मोमेंट पर पैकिंग करने जाएंगे तो मे बी आप कुछ भूल सकते हैं, या फिर आपको पता नहीं कि एंड मोमेंट में, लास्ट मंथ में कब क्या हो जाए। इसलिए आप पहले से पैकिंग करके रखिए अपनी, जिससे कि जब भी आपकी डिलीवरी होगी, आप जब भी रेडी होंगे जाने के लिए, तो आपके साथ जो भी जाने वाला है वो जस्ट वो बैग पिक करेगा और आप लोग निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें क्या क्या अपने बैग में मस्ट हैव आइटम्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं उन चीज़ों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जस्ट एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आप अपनी बैग तो पैक करने ही वाले हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आपके साथ जो भी जाने वाला है, आपकी मदर इन लॉ, मदर या फिर हस्बैंड जो भी जाने वाले हैं, आप उन्हें भी एक बार रिमाइंड करा लीजिए कि आप उनके लिए भी जो भी छोटी मोटी चीज़ें लगने वाली हैं वो अपनी पैक कर लें। जैसे कि क्लोथ्स हो गए, टॉयलेट्रीज हो गए, आप शेयर भी कर सकते हैं अपनी टॉयलेट्रीज, बट इट इज़ अप टू यू आप कैसे यूज करते हैं, सेपरेट करते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए मैनेज कर सकते हैं। तो उन्हें भी रिमाइंड करा दीजिए और उनके लिए भी छोटी मोटी चीजें पैक कर लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप गाउन्स रख लीजिए, 3 से 4 गाउन्स आप रख सकते हैं। और जो भी आप गाउन यूज़ करने वाले हैं वो फ्रंट ओपन होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है फीडिंग के दौरान। आप अगर फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रंट ओपन ही लीजिए। मार्केट में कुछ ऐसे गाउन्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें साइड से जिप होती है, बट वो उतनी कम्फर्टेबल नहीं होती है। और स्टार्टिंग डेज में आप भी लर्न कर रहे होते हैं कि बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड कराना होता है, तो उस टाइम पर कम्फर्टनेस का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें। इसलिए आप उस तरह की गाउन्स खरीद सकते हैं जिसमें फ्रंट ओपनिंग हो। सेकंड थिंग इज़ कि आपको नर्सिंग ब्रा भी चाहिए। नर्सिंग ब्रा भी 2-3 तरीके की आती हैं। एक होती है जो कि थोड़ा सा ही ओपन होती है, दूसरी इस तरीके की भी आती है जो कि कंप्लीट ओपन हो जाती है। तो मैं अगेन आपको वही सजेस्ट करूँगी जो पूरी तरह से ओपन होती है, आप वही चूज़ कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में वही प्रॉब्लम है कि आपको ज़्यादा आदत नहीं होती है, तो फिर इस टाइम पर हमें वही चीज़ें कम्फर्टेबल होती हैं जो कि कम्प्लीटली ओपन हों। अदर थिंग इज़ कि आप कपल ऑफ पैंटीज रख सकते हैं जस्ट इन केस ऑफ ब्लड स्टेन, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में काफ़ी हैवी फ्लो होता है तो ब्लड स्टेन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप चाहें तो उसे रख सकते हैं। अदर एसेंशियल थिंग ये है कि आप अपने मेटर्निटी पैड्स जो आते हैं, मेटर्निटी सैनिटरी पैड्स जो होते हैं, वो आप रख लीजिए। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ में काफ़ी हैवी फ्लो होता है, तो उसके लिए वो स्पेशली बने होते हैं। हॉस्पिटल वाले भी आपको प्रोवाइड करते हैं, बट वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोगों को वो कम्फर्टेबल लगते हैं, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ कि वो ज़रा भी कम्फर्टेबल नहीं होते हैं। प्लस उसमें जो फ्लो होता है हमारा, वो भी प्रॉपर उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए जो नॉर्मल पैड्स होते हैं वो भी आप मत यूज़ कीजिए। स्टार्टिंग के टाइम में जो मेटर्निटी पैड्स बने होते हैं वही लीजिए, आपको वो इजीली किसी भी लोकल मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे या फिर आप अमेज़न से भी परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप पेयर ऑफ स्लीपर रखिए अपने लिए, क्योंकि वहाँ पे स्लीपर अवेलेबल हो या ना हो, और फिर आप दूसरे लोग भी होते हैं, दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं, तो आप अपने लिए अपने पर्सनल स्लीपर्स रखिए, जिससे कि आप जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस समय पे, आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो लीजिए, ताकि जब भी आप वॉक वगैरह करें तो आप वो स्लीपर पहन करके कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आप टॉयलेट्रीज रख लीजिए, जैसे कि शैम्पू, ब्रश, टूथपेस्ट और जो भी सोप हो गया, आप ये सब चीज़ें रख सकते हैं। हॉस्पिटल वाले भी प्रोवाइड करते हैं, बट जस्ट इन केस अगर आप अपना यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपना लेकर के जाइए। स्टार्टिंग के डेज़ में आपको वैसे भी नॉर्मली स्पॉन्ज बाथ ही देते हैं, वो भी हॉस्पिटल वाले ही करते हैं, लेकिन अगर आप अपना कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप लेकर के जा सकते हैं। और इनिशियल डेज़ में आपको वो हेड वॉश भी नहीं करने देते हैं, बट अगर वो अलाउ करते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप वैसे भी 1 से 2 दिन में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, बट अगर आपको सी सेक्शन होता है तो 3 से 5 दिन भी आपको लग सकते हैं, तो उस टाइम में आपको ये चीज़ें काम आ सकती हैं।
अदर थिंग इज़ कि अगर आपकी डिलीवरी ठंड के समय में हो रही है तो आप शॉल, स्वेटर, सॉक्स से रख सकते हैं, बट अगर ठंड के समय में नहीं हो रही है फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप लाइट वुलन क्लोथ्स रख लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है कि वहाँ पे एसी होता है जिसकी वजह से आपको ठंड लगती है, तो आप कैरी कीजिए चीज़ें। अगर आपको ठंड नहीं लगे तो आप मत यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको ठंड लगती है तो आप इसे ले सकते हैं। और वैसे भी स्टार्टिंग डेज में बोला जाता है कि आप अपने आप को थोड़ा वार्म रखिए, तो आप ये सब चीज़ें कैरी कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली ये चीज़ें काम आएंगी। अदर थिंग इज़ कि आप इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं, ये भी एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट भी है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। एक्चुअली होता क्या है, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो या तो हमारी मदर हमारे साथ जाती हैं या फिर मदर इन लॉ होती हैं या फिर हस्बैंड होता है, तो कम से कम दो लोग तो हमारे साथ होते ही हैं और उनको चाय, कॉफ़ी, पानी लगता ही है, तो अगर उन्हें इंस्टेंटली चाहिए तो वो वहाँ तुरंत बना सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक केटल। बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं कैरी करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए, अगर है तो आप कैरी कर सकते हैं जस्ट इन केस इफ योर फैमिली नीड्स इंस्टेंट कॉफी और टी। अदर थिंग इज कैमरा, आप कैमरा रख सकते हैं, अगर आप वो छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो आप रख लीजिए। वैसे हमारे मोबाइल के कैमरा जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बट कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं अबाउट दीज थिंग्स, तो वो अपने DSLR कैरी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। और अगर आप वहाँ पर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं तो आप अपने लिए हल्का फुल्का मेकअप किट रख सकती हैं। हालाँकि ये बहुत ही ऑप्शनल चीज़ें हैं, नहीं भी रखा तो भी चलेगा, बट कुछ लोग बहुत एंथुसियास्ट होते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें लगती हैं तो वो रख सकते हैं। एंड इट इज़ एन ऑप्शनल आइटम, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी शुड पैक इट इन अ हॉस्पिटल बैग। अदर थिंग इज़ आप अपने लिए सैनिटाइजर रखिए, हॉस्पिटल वाले भी वहाँ पर तो सैनिटाइजर होता ही है, बट लुकिंग एट द करेंट सिचुएशन सैनिटाइजर हैंडी होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास लोग आते हैं मिलने जुलने के लिए तो आप तुरंत अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं। और आप अपने लिए एक रिटर्न ड्रेस रखिए, जब आप अपने घर वापस आने वाले हों तब आप क्या पहनना पसंद करेंगे, कोई लॉन्ग ड्रेस पहनेंगे या फिर जो भी है आपकी डिलीवरी जिस हिसाब से हुई होगी आप उस हिसाब से अपने क्लोथ डिसाइड कर सकते हैं। अगर सी सेक्शन हुआ होगा तो फिर आपको नीचे स्टिचेस होंगे तो कुछ ऐसा पहनने में डिफ़िकल्टी होगी, पैजामा वगैरह, तो आप कुछ लॉन्ग ड्रेस कैरी कर सकते हैं और आप उसे पहन सकते हैं जब आप घर वापस आ रहे हों तो। तो ये तो थी कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स जो कि आपके हॉस्पिटल बैग में मस्ट हैव हैं। इनमें से कुछ एक आइटम्स ऐसे हैं जो कि ऑप्शनल हैं, आप कैरी करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में मैंने जो आपको तीन चार चीज़ें बताई हैं वो मस्ट हैव हैं, वो आपके हॉस्पिटल बैग में होना ही चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। प्लस आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और एसेंशियल आइटम है जो मैंने मिस कर दिया है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसे भी इंक्लूड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसे ऐडअप कर सकती हूँ। तो आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।